एक समय की बात है, एक अनोखे जंगल में जहां जानवरों का मेला लगा हुआ था, उस जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था बिल्लू। बिल्लू बहुत ही खुशमिजाज और चालाक था और वह हर किसी के दिल में बस गया था। एक दिन बिल्लू जंगल के गहरे अंधेरे में खो गया। उसे बहुत डर लगने लगा क्योंकि उसे डर था कि कोई भयंकर जानवर उसे खा जाएगा। बिल्लू बहुत गहरे अंधेरे में भटकता हुआ जा रहा था, लेकिन फिर उसने एक चमकते हुए आलू के गुच्छे को देखा। उसने सोचा, यह आलू का गुच्छा हो सकता है जो मुझे भूखा मरने से बचा सकता है। बिल्लू ने बिना देर किए आलू के गुच्छे को खाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने आलू का गुच्छा खोला तो उसने देखा कि वहां एक सांप बैठा था। बिल्लू बहुत ही डर गया और उसने तत्काल वहां से भागना शुरू कर दिया, लेकिन जब वह अपने आसपास देखा तो उसने देखा कि सांप उससे अच्छे तरीके से बात कर रहा था। सांप ने कहा, अरे बिल्लू, मुझे डराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। बिल्लू ने अपना डर भूला और सांप से बात करना शुरू किया। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों मिलकर जंगल में घूमने लगे और अपनी दोस्ती की कहानी सभी जानवरों को सुनाने लगे। जंगल के सभी जानवर बहुत आश्चर्यचकित हुए और बिल्लू की बातों से प्रभावित हो गए। बिल्लू ने यह सिखाया कि हमें किसी को देखकर ही उसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ मिलकर उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्ती में जुड़ने से हमें नई और अनूठी दुनिया का अनुभव मिलता है। इसी तरह बिल्लू और सांप की अनोखी दोस्ती जंगल के सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गई, वाक्य विराम, ठहराव, और उन्होंने साबित किया कि अगर हम दूसरों के साथ दोस्ती करते हैं तो हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।